हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मॉक टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट करेंगे, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन की होंगे आपकी। यह क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिखेंगे, फर्स्ट ए है समस्या, बी ए संसाधन, सी ए बाधा, डी ए परेशानी। तो क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में लेना या देखना चाहिए, इस बार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक को एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, बी है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी है कठोरता से निपटानी जानी चाहिए, डी है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां किस प्रकार को से देखी जानी चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो आंसर द करेक्ट हो जाए इसके अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। क्वेश्चन देखेंगे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ए है पावलोव, बी है यूंग, सी है प्याजे, डी है स्किनर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा या किसके विचार के द्वारा बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह कथन किसके द्वारा पूछा गया है, यह क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, प्याजी के द्वारा कथन कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, सी है बच्चों को संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना का अर्थ है। तो आंसर द करेक्ट हो जाए इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, ए कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वहन करना सीखें, बी है उस पर एक भाषण देकर, सी ए कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, डी ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में एक शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर जटिल परिस्थितियों को संसाधित एक शिक्षक द्वारा सहायता कर सकता है। तो आंसर करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दें साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ए एक प्रभावी आंकलन युक्ति है,
भी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सी ए अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा जैसे कि वैसे आंसर देगा तो क्या है रटंत प्रणाली की तरफ चला जाएगा और इस प्रकार का क्या NCF के अनुरुद्ध है, तो इसलिए यह सही नहीं होगा। तो क्योंकि समस्यात्मक हो जाएगा और बच्चा अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताएगा चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर द करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र ए स्थिर रहता है, बी ए अवनत होता है, सी ए समान रहता है, डी ए बेहतर होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र किस प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं उस समय सीखने का वक्र बेहतर होता है, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ए अव्यवस्थित, बी ए प्रत्यक्षित, सी ए क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी ए एडी से चोटी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न या अलग होती है लेकिन या किंतु यह एक नमूने को किस प्रकार का अनुगमन करती है यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, तो आंसर वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, बी ए विकास एकल आयामी है, सी ए विकास पृथक होता है, डी ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है या कौन सा कथन सही है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है, तो आंसर दिया करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ऑप्शन देखते हैं ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी ए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, सी ए प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, डी ए वातावरण के प्रभाव के कारण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता जो पाई जाती है उसका कारण है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण होती है, तो आंसर द करेक्ट हो जाए इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन है ए है रोमांचकारी, बी है मुख्य, सी है गौण, डी है कम महत्वपूर्ण। तो यह क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे बात करते हैं परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह क्वेश्चन उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए है औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, बी है सहस्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, सी है पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक विचार, डी है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, सही मिलान वाला जोड़ा क्वेश्चन में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को बी करके भी पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। तो सही मिलान वाला जोड़ा होगा मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो, तो आंसर ही करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन देखेंगे, ए है केंद्रित चिंतन, बी है कार्य कारण, सी है विपर्य चिंतन, डी है प्रत्यात्मक विचार। तो क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो आंसर में करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय कि। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ए आकार मूर्त परकता, बी है प्रकार मात्रा, सी है आकार किस्म, डी है मात्रा प्रकार। तो क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो आंसर द करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन देखेंगे यहां पे, ए विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकारों के उपहार देना, डी है अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो उदाहरण पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों में या स्थितियों पर प्रश्न पूछना सबसे आधारभूत उदाहरण होगा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ए परिपक्व होने से, बी ए अनुकरण से, सी ए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, डी ए जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइगोस्की के द्वारा या बाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, तो आंसर इधर करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसके नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, ए है शारीरिक विकास के चरण, बी है संवेगात्मक विकास के चरण, सी है नैतिक विकास के चरण, डी है संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं या क्या प्रस्तुत किए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, तो आंसर द करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्र कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन देखेंगे, ए है एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होती है उसका संदर्भ शिक्षिका देती है, बी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, सी है एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार
शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। डी ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं एक कक्षा में जिसमें शिक्षण विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो आंसर द करेक्ट वॉइस इसके अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि है ए एक अकेला और जातीय विचार, बी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सी है एक विशिष्ट योग्यता, डी है सामर्थ्यों का एक समुच्च। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि क्या है। तो जैसे कि हम बात करते हैं बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, तो आंसर द करेक्ट है इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, ए अमहत्वपूर्ण है, बी ए अतिसंवेदनशील, सी ए निरपेक्ष, डी ए कम महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, किस प्रकार का काल है। तो प्रारंभिक बचपन अतिसंवेदनशील काल है, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा डी, माफ कीजिए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन ए है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, सी है लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, डी है जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है यह टिप्पणी, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर हो जाएगा, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन ए बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, बी ए सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सी ए सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी ए बच्चों को लेवल करने या नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आकलन क्या है। जैसे बात करते हैं आकलन के बारे में, तो आकलन क्या है, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन देखते हैं, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बी है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सी है यह एक दर्शन है कि बच्चे विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, डी है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं समावेशन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो जैसे कि अभी बात करेंगे कि यह एक दर्शन है कि बच्चे सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ में, क्वेश्चन देखते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए
उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए या क्या चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं वंचित वर्ग के बच्चों की पृष्ठभूमि के लिए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए शिक्षक के अनुसार या शिक्षक के द्वारा। तो आंसर द करेक्ट है इसका क्वेश्चन हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? ए अपमानजनक व्यवहार, बी है बी को डी, वॉज को 100 और 21 को 12 लिखना, सी है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान कराता है या करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि अभी बात करते हैं बी को डी, वॉज को 100 और 21 को 12 लिखना बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान कराता है। तो आंसर द करेक्ट रहेगा इसका क्वेश्चन हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है ये उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, बी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, सी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, डी बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चा है जो कि आंशिक रूप से देख सकता है या देख पाता है, तो इस प्रकार के बच्चे के साथ में किस प्रकार की शिक्षा कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इस प्रकार के एक बच्चा जो है जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए विशेष प्रावधान वाले या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका गुणी हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे समावेशी शिक्षा का उदाहरण आता है, तो इसका गुणी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखना ए है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, बी है सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावी होता है या प्रभावित होता है, डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखना क्या है। तो बात करते हैं सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, ऑप्शन देखेंगे ए बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, बी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, सी है स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बात करते हैं अभी क्वेश्चन में, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं एक शिक्षक को स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ में चर्चा करनी चाहिए।
तो आंसर तो करेक्ट रहेगा इसका वर्ड हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में क्रमबद्धता का क्या अर्थ है? ए शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, सी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, डी है याद करना, प्रतिस्मरण और सुनाना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता या बद्धता का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन समझाएंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में सक्रियता संबद्धता का अर्थ है कि जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका वर्ड हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, बी ए अपनी रुचि से, सी ए पुरस्कार के लिए, डी ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि अपनी रुचि से किसी गतिविधि में बच्चे जब भाग लेते हैं तो अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को जैसे शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।